गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल JNP जोन। दोस्तों, टॉपिक डाइमेंशनल एनालिसिस के पिछले भाग में हमने बीमा क्या होती है इस बारे में पढ़ा, कुछ व्युत्पन्न राशियों के बीमीय सूत्र किस प्रकार ज्ञात करते हैं इसके बारे में भी हमने पढ़ा। इसी टॉपिक को आगे बढ़ाते हुए आज हम पढ़ने जा रहे हैं बीमाओं के उपयोग, डाइमेंशंस, यूजेस ऑफ डाइमेंशंस। तो दोस्तों, शुरू करते हैं आज का टॉपिक। बीमाओं का सबसे पहला उपयोग है किसी भौतिक राशि को एक पद्धति से दूसरी पद्धति में बदलना। किसी भौतिक राशि का कोई मात्रक मान लीजिए MKS पद्धति में दिया है तो हम उसको CGS पद्धति में बदल लेते हैं, CGS में दिया है तो उसको MKS में या FPS में, किसी भी पद्धति में बीमाओं की सहायता से हम बदल सकते हैं। तो आइए दोस्तों, जानते हैं कि किसी भौतिक राशि के मात्रक को एक पद्धति से दूसरी पद्धति में किस प्रकार बदलते हैं। किसी भी भौतिक राशि का जो परिमाण होता है N, वो उसके मात्रक के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ये किसी भौतिक राशि का परिमाण है और ये किसी भौतिक राशि का मात्रक है। परिमाण जो है वो भौतिक राशि के मात्रक के व्युत्क्रमानुपाती होता है, अर्थात N अनुक्रमानुपाती होगा 1/U के। U को इधर भेज देंगे तो NU इक्वल टू हो जाएगा कॉन्स्टेंट। इसको इस प्रकार भी लिख सकते हैं, N1U1 इक्वल टू होगा N2U2। मतलब परिमाण का और मात्रक का जो गुणनफल है वो सदैव एक नियतांक ही होता है। ये एक पद्धति में हो सकता है तो ये दूसरी पद्धति में हो सकता है, बट इन दोनों का गुणनफल हमेशा सदैव नियत रहता है। देखिए, माना एक पद्धति में कोई भौतिक राशि हमने ली, उसका बीमीय सूत्र हमने ये मान लिया कि किसी भौतिक राशि का एक पद्धति में बीमीय सूत्र ये है, और उसी भौतिक राशि का दूसरी पद्धति में बीमीय सूत्र हमने माना M2 की घात A, L2 की घात B और T2 की घात C मान लिया। इसको हमने U1 मान लिया और इसको U2 मान लिया। अब U1 और U2 के मान समीकरण एक में लगा देंगे। समीकरण एक से देखें, N1 की जगह N1 लगाएंगे, U1 का हम लगा देंगे मान ये वाला, बराबर N2 की जगह N2 और U2 की जगह U2 का ये वाला मान लगा दिया। हमें N2 ज्ञात करना है, दूसरी पद्धति का मान ज्ञात करना है, पहली पद्धति का मान की सहायता से दूसरी पद्धति का मान ज्ञात करना है, तो हमें N2 ज्ञात करना है। तो N2 का वैल्यू निकालेंगे तो ये अपॉन में आ जाएगा, अपॉन में ये आ जाएगा तो क्या हो जाएगा, N1 M1 / M2 की घात हो जाएगी A और L1 / L2 की घात हो जाएगी B और T1 / T2 में आ जाएगा T2 और इस दोनों की घात क्या हो जाएगी C। इस सूत्र की सहायता से हम किसी भौतिक राशि के मात्रक को एक पद्धति से दूसरी पद्धति में बदल सकते हैं। आइए इसका एक एग्जाम्पल हम देखते हैं। मान लीजिए कोई क्वेश्चन है, 1 जूल को अर्घ में परिवर्तित कीजिए। 1 जूल को अर्घ में परिवर्तित कीजिए। देखिए, यहाँ जूल और अर्घ दोनों ही कार्य के मात्रक हैं, लेकिन जो जूल है वो MKS पद्धति में कार्य का मात्रक है और अर्घ जो है वो CGS पद्धति में कार्य का मात्रक है। तो हमें जूल को अर्घ में बदलना है, इसका मतलब MKS पद्धति को CGS पद्धति में बदलना है। तो देखो कैसे बदलेंगे। सबसे पहले देखो, हमें ये पता है जूल तथा अर्घ क्रमशः MKS और CGS पद्धति में कार्य के मात्रक होते हैं, तो हमें कार्य को बदलना है एक पद्धति से दूसरी पद्धति में। तो इसके लिए हमें कार्य का बीमीय सूत्र पता होना चाहिए और कार्य का बीमीय सूत्र होता है ML²T-2। ये कार्य का बीमीय सूत्र होता है। इसी की सहायता से हम मानेंगे, मानक MKS पद्धति में कार्य का बीमीय सूत्र M1L1²T-2 इसी के अनुसार मान लिया, और CGS पद्धति में कार्य का मात्रक हमने मान लिया M2L2²T-2 इसी सूत्र के अनुसार बीमीय सूत्र। ये U1 हो गया,
और ये u2 हो गया। इन दोनों मानों को हम इस सूत्र में लगा देंगे, ये वाला जो सूत्र था, तो देखिए क्या पाएंगे। यहाँ से n2 की वैल्यू निकाल ली पहले, तो n2 की वैल्यू आ जाएगी n1 u1 और अपॉन में आ जाएगा u2। यहाँ पर अब लगा देंगे मान, देखो u1 और u2 के मान लगाएंगे, u1 का ये वाला मान लगा दिया और u2 की जगह u2 का ये मान लगा दिया। लगाने के बाद देखिए फिर हम इसको मान लगाएंगे पद्धतियों के अनुसार। n1 क्या है, MKS पद्धति में कार्य का मान दिया है, और MKS पद्धति में कार्य का मान कितना, 1 जूल है, इसलिए हम n1 की जगह 1 लगा देंगे। m1 क्या है, m1 है MKS पद्धति में द्रव्यमान का मान, तो MKS में द्रव्यमान का जो मान होता है वो किलोग्राम में प्रदर्शित करते हैं, इसलिए ये किलोग्राम हो गया। और m2 हो गया वो क्या, CGS पद्धति में कार्य का मान है, तो CGS पद्धति में कार्य का जो मात्रक होता है वो ग्राम में प्रदर्शित करते हैं। ऐसी L1 है वो लंबाई के लिए 1 मीटर आ जाएगा, और L2 क्या है, यहाँ CGS पद्धति में है तो सेंटीमीटर आ जाएगा। और T1 और T2 के जो मात्रक होंगे वो चाहे MKS पद्धति सही चाहे CGS पद्धति सही, दोनों में ही सेकेंड ही लिया जाता है, इसलिए ऊपर भी 1 सेकेंड और नीचे भी 1 सेकेंड, ये कट जाएगा। किलोग्राम को हम यहाँ ग्राम में बदलेंगे, तो 1 किलोग्राम बराबर होता है 1000 ग्राम, बटे में ग्राम रहेगा, और यहाँ मीटर को सेंटीमीटर में बदलेंगे तो 1 सेंटीमीटर बराबर होता है 100 सेंटीमीटर। यहाँ सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कट जाएगा, ग्राम से ग्राम कट जाएगा, बचा 1000, यहाँ 100 की घात 2 बची और यहाँ 1 रह जाएगा। 1 की घात कितनी भी सही, 1 ही रहता है। यहाँ 100 की घात 2 है, इसको 2 बार लिख दिया, और लिखने के बाद देखेंगे कितने जीरो हैं, 1 2 3 4 5 6 7, इसका मतलब n2 का मान आ गया 10 की घात 7। तो ये n2 का जो मान है वो CGS पद्धति में कार्य का मान है, इसको 10 की घात 7 अर्ग लिखेंगे। तो हमने जूल को अर्ग में बदल दिया, इससे हमें मिला कि 1 जूल बराबर होता है 10 की घात 7 अर्ग। तो इस प्रकार से हम कोई सा भी मान किसी भी पद्धति में दिया हो उसको दूसरी पद्धति में हम बदल सकते हैं विमाओं की सहायता से। ये विमाओं का पहला उपयोग हो गया। अब इसके बाद देखते हैं इसका दूसरा उपयोग क्या होता है। ये विधि द्वारा भौतिक राशियों में संबंध किस प्रकार स्थापित किए जाएंगे, ये अब आगे हम सीखने वाले हैं। मान लीजिए सरल लोलक का आवर्तकाल टी लोलक की लंबाई की 1 घात पर और गुरुत्वीय त्वरण जी की 2 घात पर निर्भर करता है। सरल लोलक का आवर्तकाल टी लोलक की लंबाई की 1 घात पर और गुरुत्वीय त्वरण जी की 2 घात पर निर्भर करता है, या ऐसे कह सकते हैं एल की विमा ए तथा जी की विमा बी है। सरल लोलक के आवर्तकाल टी का मान जो है उसमें लोलक की लंबाई ए की लोलक की लंबाई एल की विमा ए और गुरुत्वीय त्वरण जी की विमा बी है, तब हमें एल तथा बी की विमाएँ ज्ञात करनी है, मतलब ए का मान कितना होगा और बी का मान कितना होगा ये निकालना है। किसी भी मूल राशि के ऊपर जो घातें चढ़ी हुई होती हैं उसी को विमा कहते हैं। तो हमें यहाँ विमाओं के मान ज्ञात करना है, एल की विमा कितनी होगी और जी की विमा कितनी होगी ये हमें निकालना है, मतलब ए और बी के मान कितने होंगे ये हमें ज्ञात करना है। तो देखिए देखो टी बराबर यहाँ एक नियतांक ले लेंगे के और एल की घात हो जाएगी ए और जी की घात हो जाएगी बी, इसको समीकरण नंबर 1 मान लेंगे। अब हमें सरल लोलक का आवर्तकाल क्या होता है इसका सूत्र हमें पता होना चाहिए। सूत्र पता नहीं होगा तो हम इसकी विमाएँ ज्ञात नहीं कर पाएंगे। तो सरल लोलक का आवर्तकाल का सूत्र क्या होता है, सरल लोलक का आवर्तकाल, सरल लोलक का आवर्तकाल होता है टी बराबर 2π√L/g। ये सरल लोलक के आवर्तकाल का सूत्र है। अब देखो इसको और भी आगे हल कर दे तो ये हो जाएगा 2π L/(1/2) और g की घात हो जाएगी -(-1/2). कैसे हो जाएगी, अंडर रूट लगा हुआ है तो L की घात 1/2,
जी बटे में है, अंडर रूट भी है, इसको ऊपर ले जाएंगे, जी की घात हो जाएगी माइनस की 1/2। इसको मान लीजिए समीकरण नंबर 2। अब समीकरण 1 और 2 से देखें, तुलना करें दोनों की, समीकरण 1 व 2 से देखो तुलना करेंगे तो टी की जगह टी लिखा हुआ है, बराबर के क्या नियतांक है, और यहाँ नियतांक है 2π। तो के बराबर क्या आ गया, के बराबर आ गया 2π। आगे देखेंगे एल की घात ए है और यहाँ एल की घात कितनी है, 1/2 है, इसका मतलब ए का मान कितना हो गया, 1/2, और जी की घात कितनी है, बी, और यहाँ जी की घात है -1/2। तो यहाँ ए और बी के मान तुलना करने पर हमें प्राप्त होंगे ए बराबर 1/2 और बी बराबर -1/2। तो हमें इस प्रकार विमाओं की सहायता से या विमीय विश्लेषण द्वारा भौतिक राशियों में संबंध किस प्रकार होता है वो हमें पता चला। एल की जो विमा पूछी थी वो ए मानी थी हमने, तो ए का मान 1/2 हो गया, और जी का मान, जी की जो विमा थी वो बी मानी थी और बी का मान -1/2 हो गया, ये हमारे आंसर हो गए। इसी प्रकार मान लीजिए हम दूसरा कोई लेते हैं, ध्वनि की चाल बी ज्ञात करने के लिए माध्यम की प्रत्यास्थता ई की 1 घात पर और माध्यम के घनत्व डी की 2 घात पर निर्भर करती है। मान लीजिए कोई ध्वनि की चाल बी है, वो माध्यम की प्रत्यास्थता ई की 1 घात पर और माध्यम के घनत्व डी की 2 घात पर निर्भर करती है, तो ई तथा डी की विमाएं ज्ञात कीजिए, ये क्वेश्चन है। ध्वनि की चाल बी माध्यम की प्रत्यास्था ई की 1 घात पर और घनत्व डी की 2 घात पर निर्भर करती है, तो ई तथा डी की विमाएं ज्ञात कीजिए, यानी ए और बी का मान बताइए। तो कैसे करेंगे, देखो बी इक्वल टू यहाँ एक कांस्टेंट है लेंगे के, और ई की घात हो जाएगा ए और डी की घात हो जाएगा बी, इसको मान लेंगे समीकरण नंबर 1। इसके बाद क्या होता है, ध्वनि की चाल हमें पता होना चाहिए, माध्यम में ध्वनि की चाल का सूत्र पता होना चाहिए। जैसे हमें सरल लोलक का आवर्तकाल का सूत्र पता था तो हमने ज्ञात कर ली, ऐसी माध्यम में ध्वनि की चाल क्या होती है ये भी हमें पता होना चाहिए। तो ध्वनि की चाल का जो सूत्र होता है, ध्वनि की चाल का सूत्र होता है बी बराबर अंडर रूट ई अपॉन डी, बी बराबर अंडर रूट ई 2। इसको और सॉल्व करेंगे तो देखो ई की घात हो जाएगी 1/2 और डी की घात हो जाएगी -1/2, इसको मान लेंगे समीकरण नंबर 2। और समीकरण 1 और 2 की जब तुलना करेंगे तो हमें ए और बी के मान प्राप्त हो सकते हैं। देखो तुलना करें तो देखो समीकरण 1 में बी की जगह है बी, यहाँ नियतांक है के और यहाँ नियतांक कुछ नहीं है तो 1 होगा, इसका मतलब के इक्वल टू तो आ गया 1। अब देखें एक ई की घात ए और ई की घात 1/2, डी की घात बी और डी की घात -1/2, तुलना करेंगे तो आएगा ए बराबर 1/2 और बी बराबर आ जाएगा -1/2, ये हमारे आंसर प्राप्त हुए। यहाँ पर हमने ई की और डी की विमाएँ ज्ञात कर ली, ई की विमा है 1/2 और डी की विमा है -1/2। आगे देखते हैं, एक एग्जाम्पल और लेते हैं इसी का, वृत्तीय गति करते हुए कण पर लगने वाला अभिकेंद्र बल एफ कण के द्रव्यमान m की 1 घात पर, वृत्तीय कण की चाल b की 2 घात पर और वृत्तीय पथ की त्रिज्या r की 3 घात पर निर्भर करता है। क्या क्वेश्चन है, वृत्तीय गति करते हुए कण पर लगने वाला अभिकेंद्र बल f कण के द्रव्यमान m की 1 घात पर, कण की चाल v की 2 घात पर
तथा वृत्तीय पथ की त्रिज्या आर की सी घात पर निर्भर करता है, तो हमें द्रव्यमान, चाल और त्रिज्या की विमाएँ ज्ञात करनी है। तो देखिए कैसे ज्ञात करेंगे, इसके लिए F बराबर एक नियतांक आ जाएगा K और M की घात हो जाएगा A, B की घात B और R की घात C। समीकरण नंबर मान लेंगे एक। अब कण पर लगने वाला अभिकेंद्र बल का सूत्र क्या होता है ये हमें पता होना चाहिए, अगर ये पता नहीं है तो हम इसको ज्ञात नहीं कर सकते। तो कण पर लगने वाला अभिकेंद्र बल, कण का जो अभिकेंद्र बल होगा उसका सूत्र क्या होता है, F बराबर होता है एम बी स्क्वायर अपॉन आर। ये कण पर लगने वाला अभिकेंद्र बल का सूत्र है, F बराबर एम बी स्क्वायर अपॉन आर। इसको और आगे बढ़ा देंगे तो एम बी स्क्वायर और आर की घात हो जाएगी माइनस की एक। ये हो गई समीकरण नंबर दो। अब समीकरण एक और दो की तुलना कर देंगे। समीकरण एक और दो की तुलना करने पर तुलना करेंगे तो देखो F की जगह F, यहाँ नियतांक है K, यहाँ नियतांक कुछ नहीं है तो यहाँ वन हो जाएगा। M की घात A और M की घात यहाँ है एक, तो इसका मतलब A बराबर वन हो गया। B की घात यहाँ B है और B की घात यहाँ दो है, तो इसका मतलब B बराबर दो हो गया। और R की घात यहाँ C है और यहाँ R की घात माइनस वन है, तो यहाँ C का जो मान प्राप्त होगा वो माइनस का वन प्राप्त होगा। तो ये हमारे आंसर हो गए। इससे हमें द्रव्यमान की विमा एक मिली, कण की चाल की विमा दो है और त्रिज्या की विमा माइनस की एक है। इसी प्रकार देखिए आगे देखते हैं विमाओं का तीसरा उपयोग। विमाओं का तीसरा उपयोग है विमाओं की सहायता से किसी भी नियतांक की, विमाओं की सहायता से किसी भी नियतांक का विमीय सूत्र ज्ञात कर सकते हैं। विमाओं की सहायता से, विमाओं की सहायता से किसी भी नियतांक का विमीय सूत्र ज्ञात कर सकते हैं। विमीय सूत्र ज्ञात करना, देखो किस प्रकार ज्ञात करेंगे, कोई भी एक नियतांक का विमीय सूत्र हम ज्ञात करेंगे देखो विमाओं की सहायता से। मान लीजिए हम एक समीकरण लेते हैं फोटॉन की ऊर्जा, फोटॉन की ऊर्जा प्लैंक के क्वांटम सिद्धांत के अनुसार E बराबर h न्यू होती है। प्लैंक के क्वांटम सिद्धांत के अनुसार एक फोटॉन की ऊर्जा E बराबर h न्यू होती है, जहां h क्या है, प्लैंक नियतांक है। ये क्या है, प्लैंक नियतांक है। इसी की विमा हम ज्ञात करेंगे। तो देखो कैसे ज्ञात करेंगे, ई क्या है, यहाँ ऊर्जा है, फोटॉन की ऊर्जा है, और न्यू क्या है, फोटॉन की आवृत्ति है। न्यू क्या है, फोटॉन की आवृत्ति, ई फोटॉन की ऊर्जा और एच प्लैंक नियतांक है। प्लैंक नियतांक एच की विमा ज्ञात करनी है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, ऊर्जा का विमीय सूत्र लिखेंगे, और ऊर्जा या कार्य का विमीय सूत्र होता है एम एल स्क्वायर टी माइनस टू, एच की जगह एच रहने देंगे। और आवृत्ति का विमीय सूत्र क्या होता है, टी माइनस वन। आवृत्ति का विमीय सूत्र टी माइनस वन, टी माइनस वन अपॉन में आ जाएगा, तो एच का विमीय सूत्र हमें मिल जाएगा, एच का विमीय सूत्र आ गया एम एल स्क्वायर टी माइनस टू और अपॉन में आ जाएगा टी की घात माइनस वन। ये टी की घात माइनस वन है, ये अपॉन में चला जाएगा, अपॉन में लिख दिया। इसको ऊपर लिखेंगे, अब टी की घात माइनस वन को ऊपर लेके जाएंगे तो क्या बन जाएगा, एम एल स्क्वायर टी की घात माइनस की दो है, ये माइनस की वन, ऊपर जाके हो जाएगी प्लस की वन।
तो माइनस दो में से प्लस वन घटेगा तो बचेगी माइनस की वन। तो एच प्लांक नियतांक की विमा हमने ज्ञात कर ली, ये इसका तीसरा उपयोग हो गया। इसके अलावा इसका एक चौथा उपयोग भी है, विमीय सूत्र से मात्रक ज्ञात करना, मात्रक ज्ञात करना। देखो कैसे मात्रक ज्ञात करेंगे, जैसे मान लीजिए हमने कोई एग्जाम्पल लिया, बल का विमीय सूत्र लेते हैं, बल का विमीय सूत्र। तो बल का विमीय सूत्र होता है एम एल टी माइनस टू, ये विमीय सूत्र हो गया इसका। अब विमीय सूत्र की सहायता से हम इसका मात्रक बता सकते हैं, बल का क्या होगा, कैसे बता सकते हैं। देखो इसका मात्रक, मात्रक क्या होगा, देखो एम है सबसे पहले, एम किसका विमीय सूत्र होता है, द्रव्यमान का। तो द्रव्यमान का मात्रक जो होगा वो यहाँ लिख दिया जाएगा। एल क्या है, लंबाई का विमीय सूत्र। टी क्या है, समय का विमीय सूत्र। इसी के अनुसार लिखेंगे, देखो द्रव्यमान का विमीय सूत्र क्या होगा, किलोग्राम। लंबाई का विमीय सूत्र क्या होगा, मीटर। और समय का विमीय सूत्र क्या होता है, सेकेंड। लेकिन घात माइनस दो है तो माइनस दो लगा देंगे। इसको और सॉल्व करके लिखेंगे तो आएगा किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये बल का मात्रक होता है, इसी को हम न्यूटन भी बोलते हैं। बल का मात्रक न्यूटन होता है, लेकिन ये एम के एस पद्धति में बल का मात्रक होता है। जैसे और भी हम मान लीजिए कोई एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे संवेग का विमीय सूत्र देखें। संवेग का विमीय सूत्र क्या होता है, संवेग का विमीय सूत्र एम एल टी माइनस वन। संवेग का विमीय सूत्र होता है एम एल टी माइनस वन। इससे देखो हम इसका मात्रक लिख सकते हैं, संवेग का मात्रक। देखो एम आया, एम द्रव्यमान का विमीय सूत्र होता है, तो इसका मात्रक क्या हो जाएगा, किलोग्राम। एल आया, लंबाई का विमीय सूत्र होता है, तो लंबाई का मात्रक क्या होगा, मीटर। और अब घात माइनस के, इसलिए अपॉन में लिख देंगे। टी है विमीय सूत्र समय का, और समय का मात्रक होता है सेकेंड। तो यह आ गया किलोग्राम मीटर पर सेकेंड, यह आ गया संवेग का मात्रक। तो इस प्रकार हमने एक एक करके विमाओं के उपयोग पढ़े। पहला उपयोग क्या था, किसी भौतिक राशि को एक पद्धति से दूसरी पद्धति में बदलना। दूसरा था विमाओं की सहायता से भौतिक राशियों में संबंध स्थापित करना। तीसरा था विमाओं की सहायता से किसी भी नियतांक की विमा ज्ञात करना। और चौथा था विमाओं की सहायता से उस भौतिक राशि का मात्रक ज्ञात करना।